अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हबाल बाग में 47वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय टमटा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मेले में अल्मोड़ा समेत कई जिलों के काश्तकारों और स्वयं सहायता समूह ने हिस्सा लिया। कृषि मेले में काश्तकारों को खेती की नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया गया, साथ ही रबी की फसल की जानकारी भी दी गई है। सांसद अजय टमटा ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वैज्ञानिकों के माध्यम से किसान खेती की नई उन्नत सीख रहे हैं और नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से श्री अन्न योजना को अपनाने का आग्रह किया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के माध्यम से ये 47वां कृषि विज्ञान मेला आज अल्मोड़ा में हो रहा है, जिसमें उन्नत किसान जो पूरे प्रदेश भर के हैं और जो रबी फसलों पे काम कर रहे हैं, ऐसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत के साथ साथ नैनीताल और हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल के कुछ राज्यों के भी किसान यहाँ आए हैं। ये किसान मेला अपने आप में श्री अन्न अपनाए, पोषण सुरक्षा बढ़ाए, ऐसा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिशन मोड में करने का विजन हमारे डायरेक्टर निदेशक महोदय जी ने लिया है। इस कार्यक्रम में हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत जिला अध्यक्ष जी और हमारे सभी साइंटिस्ट पूरे उत्तराखंड राज्य के, उनके संयुक्त प्रयास के माध्यम से जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, उनको एक प्रकार की नई जागृति पैदा करना, जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से नए नए प्रयोग करके, नई नई डेवलपमेंट करके, चाहे वो सीड पे है, चाहे मिट्टी की गुणवत्ता पे है, चाहे उसके बने हुए प्रोडक्ट को वैल्यू एडिट करने का भी अपनाएं, उनके बने हुए चीज़ों को और हम आगे बढ़ाएं, और जिस को मैंने आपको पुनः बोला था कि श्री अन्न अपनाएं, पोषण सुरक्षा बढ़ाएं, ऐसा ये मिशन मोड का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया।